What I am telling you, 41 votes आए हैं हमारे फॉर्मूला से 41 votes चाहिए एक कैंडिडेट को इलेक्ट होने के लिए राज्यसभा में. तो उसके लिए क्या होगा, जब वोटिंग हुई तो इसमें प्रेफरेंस होती है. जैसे दे आर द, अब यहाँ पे एक कैंडिडेट को केवल एक वोट ही देना होता है. उसके पास अलग अलग पार्टी अपने कैंडिडेट की लिस्ट करती है. जैसे आपको बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स की 5 कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली, कांग्रेस ने अपने 5 कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली. ऐसे कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है और जितने भी एलएलएस वोट देंगे वो प्रेफरेंस के हिसाब से वोट देंगे. ऐसे नहीं कि उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी है, किस कैंडिडेट को है. सपोज ए कैंडिडेट को है या बी कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस है, सी कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस है. इस तरह से उसका वोटिंग होती है. फर्स्ट इस कैंडिडेट ने फर्स्ट ए को दी प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस सी को दी, थर्ड प्रेफरेंस बी को दी और फोर्थ प्रेफरेंस डी को दी. इस कैंडिडेट ने फर्स्ट प्रेफरेंस बी को दी, सेकंड प्रेफरेंस सी को दी, थर्ड प्रेफरेंस ए को दी, फोर्थ प्रेफरेंस डी को दी. सी कैंडिडेट जो थर्ड कैंडिडेट है उसने क्या किया, फर्स्ट प्रेफरेंस ए को दी, सेकंड प्रेफरेंस बी को दी. इस तरीके से वोटिंग होती है. और जब कैलकुलेशन होता है तो सपोज एक कैंडिडेट जिसने 41 क्रॉस कर लिया, इसके 42 वोट्स आए, तो ही दिस पर्सन इज क्वालिफाइड. ये जो पर्सन है वो तो क्वालिफाइड हो गया, लेकिन इन लोगों ने 41 का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं किया है. दे हैव नॉट कंप्लीटेड द क्राइटेरिया ऑफ 41 सीट्स. तो फॉर दैट क्या करेंगे हम, ये जो सबसे छोटा है मतलब इसको जिसको 5 सीट्स मिली है, 5 वोट्स मिले हैं, सॉरी 5 वोट्स मिले हैं, उसका नॉमिनेशन हम एलिमिनेट कर देंगे. मीन्स इस कैंडिडेट के फर्स्ट प्रेफरेंस केवल 5 लोगों ने दिया, तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमने इसकी हटा दी और सेकंड प्रेफरेंस जिन कैंडिडेट्स को दिया, जैसे जो ये कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 5 वोट इस कैंडिडेट को दिए हैं, इसका नाम हम रख देते हैं मोहन. ओके, मोहन को 5 वोट्स मिले. अब ए पे फर्स्ट प्रेफरेंस पे 5 वोट्स मिले, बी पे मोहन को जिन्होंने 5 वोट दिए हैं तो उन्होंने 3 वोट्स तो दिए हैं सोहन को, 2 वोट्स दिए हैं राघव को. ओके, हमने इमेजिनरी नेम्स कर दिए हैं. 3 वोट दिए सोहन को, 2 वोट्स दिए राघव को. तो हम जो ये बी प्रेफरेंस वाले हैं वो हमने 3 वोट्स राघव के में बढ़ा दिए और 2 वोट्स हमने, सॉरी 3 वोट्स हमने सोहन के में बढ़ा दिए और 2 वोट्स हमने राघव के में बढ़ा दिए. तो ऐसे सोहन के अब 42 वोट्स हो गए और अब सोहन भी क्वालिफाइड हो गया. ठीक है, सोहन भी क्वालिफाइड हो गया. अब हमें तो अभी कितने वोट्स चाहिए, हमें तो 4 सीट्स चाहिए और केवल 2 सीट्स मिली और नंबर भी कम है. अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं तो हम कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करते जाएंगे कि अब हमने ना मोहन को हटा दिया, फिर उसके अलावा कोई और होगा तो उसको हटाते. लेकिन क्योंकि हमारे पास केवल 5 कैंडिडेट्स हैं, 5 कैंडिडेट्स हैं और हमारे को 4 सीटें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसका थर्ड प्रेफरेंस लेंगे. थर्ड प्रेफरेंस में इसमें 3 सीटें, 4 सीटें अनिल को दी. ठीक है, 4 सीटें अनिल को दी और 1 सीट इसमें राघव को दी. ओके, तो अब 4 सीटें जैसे ही अनिल को मिली, अनिल ने भी क्वालिफाई कर लिया. अब हम उसका फोर्थ प्रेफरेंस लेंगे. तो फोर्थ प्रेफरेंस में इसने 4 राघव को दिया, 1 इसको दिया. ठीक है, 4 राघव को दिया, अभी भी इसका 1 सीट कम रहती है. फिर हम उसका फिफ्थ प्रेफरेंस लेंगे और फिफ्थ प्रेफरेंस लेते ही राघव भी क्वालिफाई कर जाएगा. ये होता है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम प्रपोर्शन. मतलब जब तक हम जो सबसे कम वोट वाला होता है,
मेजोरिटी नहीं मिलती है तो उसकी नॉमिनेशन को एलिमिनेट करके उसके वोट्स को प्रपोर्शनल वाइज जिस प्रिफरेंस से उसने नीचे लिया है उस प्रिफरेंस से हम कैंडिडेट्स में ट्रांसफर करते जाएंगे जब तक कि वो क्वालिफाइड 41 वोट्स का कोटा कंप्लीट नहीं कर लेते हैं. एज सून एज दे कंप्लीट द क्वालिफाइड वोट कोटा द वोट्स दे विल बी क्वालिफाइड एज MLA. और आप देखिए ये जनरली पार्टी बेसिस होता है. पार्टी बेसिस होने की वजह से पहले से क्लियर होता है. पार्टी मैनिफेस्टो डिक्लेयर होता है कि इस पार्टी के हमारे कैंडिडेट्स हैं और हम इन्हें वोट देंगे. तो वोट देने से पहले ही पता होता है. केवल एक आध सीट के अंदर हमें डाउट होता है. पार्टीज को डाउट होता है कि उनका कैंडिडेट नहीं होगा. इसलिए अब ज़्यादा सीट्स किसको मिलती है जो पार्टी उस समय मेजोरिटी में होती है वहाँ रूलिंग पार्टी होती है. जैसे एट प्रेजेंट इन राजस्थान कांग्रेस इज अ रूलिंग पार्टी. उसके मेंबर्स ज़्यादा है उनके पास मेजोरिटी है. तो चार में से तीन मेंबर्स मेजोरिटी उनके जाएंगे या दो मेंबर्स को उनको श्योर होता है कि हमारे इतने कैंडिडेट्स हैं तो इतने तो जाएंगे. या सपोज 120 सीटें हैं उनकी 110 सीटें हैं उनके पास उनको पता है तीन तो जाएंगे एक सीट बीजेपी के ट्रांसफर किया जाता है उससे क्वालिफिकेशन हो जाए
रहता है, इस तरीके से पूरा कोटा कंप्लीट करके क्वालिफाइड कैंडिडेट्स निकाले जाते हैं। तो ये है आपका प्रोपोजल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। जस्ट रीड इट एंड सी द